जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को 7 दिनों का समय देने का एसआईटी का इनकार हो चुका है। एसआईटी ने अब तक पेश होने के लिए समय नहीं दिया है। यौन उत्पीड़न का आरोपी है प्रज्वल रेवन्ना और उसने कल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ये कहा कि सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। यौन उत्पीड़न के आरोपों में प्रज्वल रेवन्ना फंसे हुए हैं और इसके बाद जब ये आरोप उन पर लगे, जब मुख्यमंत्री की तरफ से एसआईटी गठन करने की बात हुई, उसके बाद रेवन्ना जो है वो देश से जर्मनी चला गया है और उसके बाद से ही लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उसके बारे में इस तरह की खबरें जब पहले आ चुकी थी तो उसको टिकट ही क्यों दिया गया। यहाँ पर आपको बता दें कि महिलाओं के साथ दुराचार और शोषण के 2000 से ज़्यादा वीडियो इस मामले में सामने आए हैं, इस तरह की बात है और एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। निहाल किदवई इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निहाल, क्या कुछ जानकारी इसमें मिल रही है, क्योंकि एक हफ्ते का वक्त यहाँ पर मांगा था प्रज्वल रेवन्ना ने, लेकिन एसआईटी साफ तौर पर इनकार कर रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि एसआईटी ने मना कर दिया है। 7 दिनों का वक्त और या मोहलत जो भी आप कह लें वो नहीं दी जाएगी उन्हें, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना का ये कहना है कि वो अभी देश में नहीं है और इससे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो इसमें एक कानूनी प्रक्रिया है, उसको फॉलो किया जाएगा। इसके अंदर दोबारा से एक बार फिर नोटिस सर्व किया जाएगा प्रज्वल रेवन्ना को और फिर उसको कहा जाएगा कि जल्द से जल्द वो एसआईटी के सामने हाजिर हो। अगर ये अगर उसने एक बार फिर मना किया आने से, तो उसके बाद हो सकता है कि वारंट जारी हो जाए, लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है। तो ऐसे में प्रज्वल रेवन्ना पर पूरी तरह से दबाव बनाया है एसआईटी ने कि वो जल्द से जल्द एसआईटी के सामने पेश हो। लेकिन इस बीच में यह जानकारी भी मिल रही है कि प्रज्वल रेवन्ना के पिता एसडी रेवन्ना, जो कि कोले नरसिंहपुरा से विधायक हैं जेडीएस के, वो वहां से चल चुके हैं और हो सकता है कि आज दोपहर के आसपास वो एसआईटी के सामने पेश होंगे और अपनी अपनी सफाई वहां पर देंगे। लेकिन इतना तय है कि एसआईटी किसी भी तरह का कि कोई रियायत देने के मूड में फिलहाल नहीं दिख रही है और ऐसे में प्रज्वल रेवन्ना पर पूरी तरह से दबाव है कि जल्द से जल्द एसआईटी के सामने आए। लेकिन ये है कि जब प्रज्वल रेवन्ना ने देश छोड़ा था उस वक्त तक उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं थी, इसलिए यहाँ पर उनको थोड़ी सी मदद कानूनी तौर पर मिल सकती है और इसका वो फायदा उठा सकते हैं कि जब एफआईआर ही नहीं था तो किसी तरह की कोई रुकावट नहीं थी, नहीं प्रशासन की तरफ से कोई रुकावट थी, इसलिए तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक वो विदेश गए। लेकिन ये एक पहलू है। अब देखना है कि एसआईटी और जो का अगला रुख क्या होता है। एसआईटी ने हालांकि यह साफ कर दिया है, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना पर दबाव पूरी तरह से है कि 7 दिन या उससे पहले जल्द से जल्द वो एसआईटी के सामने हाजिर होकर कोई लुकआउट नोटिस या फिर जो दूसरी प्रक्रिया है जैसे वारंट जारी करना, इसके लिए एक दो मौके और दिए जाएंगे प्रज्वल रेवन्ना को। और अगर वो उस टाइम फ्रेम के अंदर नहीं आते हैं तो तब इसके बाद वारंट जारी हो सकता है, लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। तो प्रज्वल रेवन्ना के पास अपनी दलील है और ये कहने के लिए कि एफआईआर नहीं था इसलिए वो देश छोड़ के गए, इसलिए उनको मोहलत दी जाए, तो हो सकता है अदालत अब जो है जेडीए रेवन्ना के जो वकील है वो अदालत जा सकते हैं, कर्नाटका हाईकोर्ट जा सकते हैं इस एसआईटी के खिलाफ कि प्रज्वल रेवन्ना आना चाहते हैं। एक हफ्ते का वक्त मांगा है प्रज्वल रेवन्ना ने, लेकिन चूंकि वो विदेश में है और ऐसे में उसको थोड़ी मोहलत दी जाए तो हो सकता है ये मामला अब अदालत भी पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो एसआईटी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना ने 7 दिनों की मोहलत मांगी थी जिसको देने से एसआईटी ने फिलहाल साफ इनकार कर दिया है।